तो गर्मा गर्मी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मैं टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी और रियलमी बर्ड्स वायरलेस की। तो इनमें से कौन से बेस्ट ईयरफोन्स अंडर 2000 रुपीज, पता लगाते हैं। Hey, what's up? मेरा नाम है शिवम और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को तो बहुत ही बढ़िया बात होगी। तो रिसेंटली मैंने रिव्यू पोस्ट किया था वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी का और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसको कहा था कि कंपेयर करके बताओ रियलमी बर्ड्स वायरलेस के साथ। तो आ गया है वो दिन, आज हम यही करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी कुछ है कवर करने में, तो हम इस वीडियो में ये सब चीज़ें कवर करने वाले हैं, जैसे कि अनबॉक्सिंग, डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, कम्फर्ट एंड फिटिंग, फीचर्स, बैटरी लाइफ, इनलाइन माइक, साउंड क्वालिटी, प्राइस और मेरी रिकमेंडेशन। तो स्टार्ट करेंगे जल्दी से एक अनबॉक्सिंग के साथ। तो ये रहे शिपिंग पैकेट्स अमेजोन की तरफ से, तो इसे जल्दी से हम अनबॉक्स कर लेते हैं, यहाँ पर अपनी रिटेल पैकेजिंग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहे रिटेल बॉक्स, अब इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। और इस बॉक्स के अंदर हमारे को मिलते हैं अपने ईयरफोन्स, यूएसबी केबल, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और यूजर मैनुअल्स। और ये थी एक जल्दी सी फटाफट सी अनबॉक्सिंग, इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट भी क्या करते हैं इनबॉक्सेस में से निकलने को। पर अब चल के बात करते हैं इसके डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन के बारे में बात करें हम यहाँ पर, तो दोनों ईयरफोन्स काफी वेल डिजाइंड ईयरफोन्स हैं। दोनों ईयरफोन्स में आपको उनके कंपनी की डिजाइन लैंग्वेज देखने को मिलेगी। वन प्लस में हमारे को यहाँ पर चार कलर ऑप्शंस मिलते हैं, ब्लू, मिंट, ओट और ब्लैक, जो मेरे पास यहाँ पर ये वाला है। और रियलमी हमारे को तीन कलर ऑप्शन मिलते हैं, जो कि हैं ग्रीन, ऑरेंज और ब्लैक येलो, ब्लैक येलो ये वाला। अब वेट कंपैरिजन वाइज रियलमी का वेट है 30 ग्राम्स और यहाँ पर वन प्लस का वेट है 28 ग्राम्स, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों ईयरफोन्स काफी ज्यादा लाइट वेट है। अब एक चीज यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जो नेक बैंड है वो वन प्लस के ऊपर वो काफी ज्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है और जो मटेरियल्स है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है देन द रियलमी। अब मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, थोड़ा हल्का सा फ़र्क है आपको देखने को मिलेगा जब आप दोनों ही ईयरफोन्स को साइड बाय साइड यूज़ करके कंपेयर करके देखते हैं। तो डिज़ाइन वाइज दोनों ईयरफोन्स काफ़ी बढ़िया हैं, पर पर्सनली मेरे को बुलेट सी ज़्यादा पसंद है। बिल्ड क्वालिटी, अब बिल्ड क्वालिटी बहुत ही बड़ा फैक्टर नहीं है डिसाइड करते हुए इन दोनों ईयरफोन्स में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बिल्ड क्वालिटी का। यहाँ पर दोनों ईयरफोन्स काफ़ी सॉलिड हैं और आप उम्मीद कर सकते हैं काफ़ी टाइम तक चलेंगे और मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई बिल्ड क्वालिटी इश्यूज आने वाले हैं अगर चाहे आप कोई भी ईयरफोन्स इनमें से लेते हैं तो। कम्फर्ट एंड फिटिंग, कंफर्ट और फिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ऐसे नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है बाय करते हो कोई भी ईयरफोन्स ले रहे हो आप, कि वो कंफर्टेबल हो और सिक्योर हो ताकि आप उसको लंबे टाइम तक सुन पाएं और वो अपनी जगह पे आसानी से टिके रहें। तो बात करें पहले अगर रियलमी के बारे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड ईयरफोन्स हैं एज़ कम्पेयर टू वन प्लस, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने रियलमी वालों ने ईयर हुक्स दिए हुए हैं तो उसकी वजह से एकदम ऐसे फेविकॉल की तरह कान में चिपके रहते हैं और आसानी से गिरते नहीं हैं, चाहे आप हैवी वर्कआउट करें, चाहे रनिंग, साइकिलिंग या कुछ भी करें, बिल्कुल अपनी जगह पे ऐसे टिके रहते हैं। पर कंफर्ट वाइज मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इतने कंफर्टेबल नहीं है जितने वन प्लस हैं। यहाँ पर जो इनकी सिलिकॉन ईयर टिप्स है वो बहुत ही सॉफ्ट नहीं है और थोड़ी सी इरिटेट करती है कानों में, पर जो वन प्लस है उसकी ईयर टिप्स काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है। अब मैं ये नहीं कहता कि वन प्लस एकदम बिल्कुल सिक्योर फिटिंग वाइज में बिल्कुल एकदम साबुन की तरह एकदम लगाते ही दो मिनट बाद गिर जाते हैं हर सेकंड बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो शेप है इन्होंने वो ईयर्स के इनसाइड वाले पार्ट की तरह बनाई है तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कान में टिके रहते हैं, पर इतने ज़्यादा सिक्योर्ड नहीं है जितने आपको रियलमी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो स्पेसिफिकली अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं ईयरफोन्स वर्कआउट के लिए तो आपको रियलमी ही लेने पड़ेंगे, पर अगर आप लेजी इंसान है, फैट मैन है मेरी तरह और आप बहुत ज़्यादा ऐसे वर्कआउट नहीं करते तो आपको डेफिनेटली वन प्लस बुलेट सी लेने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। फीचर्स, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फीचर्स हैं इन दोनों ईयरफोन्स में। तो पहले बात करते हैं वन प्लस के बारे में, तो वन प्लस में हमारे को क्वालकॉम QCC3024 चिप मिलती है और इससे काफ़ी ज़्यादा फंक्शनैलिटी अनलॉक हो जाती है इस डिवाइस में। जैसे कि ये चिप को बहुत ज़्यादा पावर नहीं चाहिए तो उसकी वजह से हमारे को बहुत ही ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलती है। उसके सिवा यहाँ पर क्विक पेयर मिलता है, जिसका मतलब है कि आपका वन प्लस अगर डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं तो जब भी आप ईयरफोन्स को ऐसे डिस्कनेक्ट करेंगे आपस में से दोनों ईयरबड्स को, वो एकदम ऑन हो जाएंगे और एकदम ऐसे आपको फ़ोन में नोटिफिकेशन आएगी वन प्लस पे और ऐसे चुटकियों में कनेक्ट हो जाएगा और जब आप अगली बार डिवाइस को कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली बिल्कुल सेकेंड में कनेक्ट हो जाएगा ये। और अगर आप वन प्लस डिवाइस पर नहीं है, किसी और एंड्रॉइड डिवाइस पर हैं, तब भी ये फंक्शनैलिटी काफी हद तक सेम काम करती है। आप इसको कनेक्ट करिए ब्लूटूथ डिवाइस की तरह और अगली बार ये ऐसे
चुटकियों में कनेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज हमारे को यहाँ पर मिलती है वॉप चार्जिंग, जो कि एक बहुत बढ़िया फीचर है बुलेट जी में। इसके अंदर हमारे को मिलता है 10 आवर्स ऑफ प्लेबैक अगर आप इसको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स के लिए चार्ज करते हैं। हालांकि बैटरी लाइफ के बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पर उन्होंने हमारे को यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। मैग्नेटिक ईयरबड्स, अब बिल्कुल जैसा साउंड करते हैं वही फीचर है ये, पर वन प्लस वालों ने यहाँ पर एक और स्टेप लिया है इस मैग्नेटिक ईयरबड्स फीचर में। तो जब भी आप इन ईयरफोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली पॉज कर देते हैं सॉन्ग और ईयरफोन्स ऑफ हो जाते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। आपकी बहुत ही ज़्यादा बैटरी बचती है, और जब भी आप इसको ऐसे डिटैच करते हैं ये ऑन हो जाते हैं, और अगर आप वन प्लस डिवाइस पे हैं तो ये प्ले भी कर देगा सॉन्ग को। हालांकि आउट ऑफ द बॉक्स ये फीचर नहीं काम करेगा, आपको वन प्लस की सेटिंग में, साउंड सेटिंग में जाके इसको इनेबल करना पड़ेगा। और ये फीचर ऑटो प्ले वाला सिर्फ पॉज वाला काम करता है दूसरे एंड्रॉयड डिवाइसेज में, पर जो प्ले वाला फीचर है ऑटो प्ले सिर्फ और सिर्फ वन प्लस डिवाइसेज में काम करता है। और इसका एक और फायदा ये है कि इसके अंदर आपको ऐसे कोई भी बटन दबा के नहीं रखना पड़ता है इसको ऑन करने के लिए, और यहाँ पर सब कुछ एकदम ऑटोमेटिक चल रहा है। क्विक स्विच एक और यहाँ पर हैंडी फीचर दिया हुआ है हमारे को वन प्लस बुलेट जी में, और मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है अगर ऐसे कोई भी आईटी वर्कर इस टाइम घर पे काम कर रहा है और उसको ऐसे बार बार वीडियो कॉल्स लेनी पड़ती है लैपटॉप पे, और एकदम से ऐसे फोन पे स्विच करना पड़ता है सेकंड में, तो उस मामले में ये बहुत ज्यादा बढ़िया फीचर है। होता क्या है कि यहाँ पर ये जो बटन दिया है इसको डबल प्रेस करें तो आप इसे दूसरे डिवाइस के ऊपर स्विच कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप लैपटॉप से कनेक्टेड हैं तो आप इसको डबल प्रेस करें और ये आपके सीधा और सीधा फोन के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा, फिर डबल प्रेस करें, ऐसे बैक एंड फोर्थ आप स्विच कर सकते हैं कनेक्शन को। तो ये बिल्कुल एक नया फीचर दिया हुआ है हमारे को यहाँ पर। और एक और फीचर जो बुलेट्स वायरलेस को और ज्यादा ड्यूरेबल बनाता है वो है IP55 वाटर रेटिंग, जिसका मतलब है कि आप आसानी से इस ईयरफोन्स को वर्कआउट में यूज कर सकते हैं और आप इसे रेन में भी घूम सकते हैं, बारिशों में कोई दिक्कत नहीं, और ये ईयरफोन्स बिल्कुल एकदम सारा का सारा पानी बिल्कुल आसानी से सह सकते हैं। अब बाकी ईयरफोन्स की तरह यहाँ पर कोई माइक्रो यूएसबी नहीं दी हुई, यहाँ पर हमारे को USB-C कनेक्शन देखने को मिलता है। और आखिरी फीचर है यहाँ पर लो लेटेंसी मोड, जिसमें हमारे को डिले मिल सकता है एज लो एज 110 मिलीसेकंड्स, जो कि वन प्लस कह रहा है, और वो कहता है कि वन प्लस 5 से अबव डिवाइसेस के ऊपर ये काम करेगा अगर आपने फिनेटिक मोड टर्न ऑन किया हुआ है डिवाइस पे। पर मैंने अपने वन प्लस 5T पे टेस्ट करके देखा है और मेरे को यहाँ पर कोई भी ऐसे 110 मिलीसेकंड वाले रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो उस वजह से इस फीचर को हम इस कंपैरिजन वॉर में साइड कर देंगे। अब कंपेयर करें फीचर्स रियलमी बड्स वायरलेस के वन प्लस के साथ, तो यहाँ पर हमारे को कोई भी ऐसे क्वालकॉम चिप नहीं मिलती, पर हमारे को यहाँ पर मिलता है फास्ट पेयर जैसे कि वन प्लस में है, जिसका मतलब है कि ईयरफोन्स बहुत तेजी से ब्लेजिंगली फास्ट कनेक्ट हो जाते हैं आपके डिवाइसेस के साथ। और उसके सिवा यहाँ पर हमारे को मिलता है फास्ट चार्जिंग, हालांकि ये इतनी फास्ट नहीं है जितनी हमारे को वन प्लस में मिल रही है। यहाँ पर हमारे को 10 मिनट्स के चार्ज पर मिलेंगे 100 मिनट्स ऑफ प्लेबैक, पर उसके सिवा हमारे को जो मिलते हैं वो है मैग्नेटिक बड्स, और उसके साथ ये ऑटो टर्न और ऑटो टर्न ऑफ फीचर जैसे कि वन प्लस में था, जिसका मतलब है कि जब भी आप ईयरफोन्स को कनेक्ट करें तो ये ऑफ हो जाते हैं और ऐसी हर टाइम को ऑन हो जाते हैं, तो ये बढ़िया चीज है। अब यहाँ पर कोई क्विक स्विच नहीं मिलता हमारे को रियलमी के ऊपर, पर हमारे को यहाँ पर मिलता है IP रेटिंग जो कि IPX4, जिसका मतलब है कि हल्के से कमजोर है वाटर रेजिस्टेंट में वन प्लस के मुकाबले में, पर बहुत ही ज्यादा ही फर्क नहीं है। उसके सिवा यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, जो कि मुझे किसी भी तरह से पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर सारे के सारे USB-C डिवाइसेज हैं तो मेरे को अब दो केबल कैरी करनी पड़ेंगी, पर अगर आपके पास माइक्रो USB डिवाइस है तो कोई दिक्कत नहीं फिर। अब यहाँ पर हमारे को कोई भी ऐसे लो लेटेंसी मोड नहीं मिलता, पर हालांकि वन प्लस जी वाला भी कुछ खास काम नहीं करता तो इस चीज़ को हम साइड कर देंगे। तो ओवरऑल फीचर्स में मैं कहूंगा कि वन प्लस के अंदर काफी ज्यादा फीचर्स हैं एज कम्पेयर टू रियलमी। पर अब बात करें बैटरी लाइफ के बारे में, तो हमारे को यहाँ पर 110 mAh की बैटरी मिलती है रियलमी के ऊपर, और वन प्लस के अंदर हमारे को मिलती है XX अमाउंट ऑफ बैटरी। जी हाँ, क्योंकि मेरे को कहीं पता नहीं चला, कहीं पर नहीं मिला किसी वेबसाइट पे, उनकी खुद की वेबसाइट पे, बॉक्स पे, ईयरफोन्स पे, या इस पूरी गैलेक्सी में कहीं पे भी कि कितनी बैटरी है इसके अंदर। पर हमारे को यहाँ पर इनके चार्जिंग टाइम और प्लेबैक पता है, तो अगर आप रियलमी बर्ड्स वायरलेस को चार्ज करते हैं, जो कि मेरे को अराउंड 1.5 घंटा लगा करने में, और उसके बाद मेरे को मिला अराउंड 10.5 आवर्स ऑफ प्लेबैक, जो कि काफ़ी डिसेंट है, पर मेरे को लगता है कि जो एवरेज पर्सन की यूजेज है उसके हिसाब से थोड़ा कम है। पर वन प्लस बुलेट जी में मेरे को अराउंड 30 मिनट्स लगे फुल चार्ज करने में, और उसके बाद एक बार चार्ज करने में मेरे को मिले अराउंड 18 आवर्स ऑफ प्लेबैक, जो कि एकदम डबल है रियलमी से। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी लाइफ मैं कहूँगा वन प्लस एक बेटर ऑप्शन है इसमें। इनलाइन माइक,
अब दोनों ईयरफोन्स में हमारे को मिलता है इनलाइन बटन्स, जिससे हम प्ले पॉज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ट्रैक्स, एडजस्ट कर सकते हैं वॉल्यूम, कॉल्स ले सकते हैं और वॉइस असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। पर मैं कहूंगा फील वाइज यहाँ पर जो बटन्स है रियलमी के ऊपर वो हल्के जैसे नरम नरम से हैं और ज्यादा टैक्टाइल नहीं है एज कम्पेयर टू वन प्लस। पर जो बटन्स वन प्लस के ऊपर हैं वो भी बहुत ज्यादा टैक्टाइल नहीं है पर हल्के से बेटर है रियलमी से। और एक चीज मैंने ये नोटिस करी कि जो बटन प्लेसमेंट है वो रियलमी के ऊपर यहाँ पर नेक बैंड के ऊपर दी हुई है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा मुश्किल होता है प्रेस करना, और जो माइक है वो भी काफी दूर हो जाता है ऐसे मुंह से, तो उसकी वजह से इनलाइन माइक की ऑडियो क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। पर बुलेट जी के अंदर हमारे को बटन्स मिलते हैं वायर के ऊपर, जिससे काफी ज्यादा इजी है प्रेस करना और जिसकी वजह से माइक काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है माउथ के, तो इससे ऑडियो क्वालिटी अच्छी आती है। पर यहाँ पर मैं टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ कि इनकी इनलाइन माइक की ऑडियो क्वालिटी क्या है। और ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट इनलाइन माइक का वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी पर, और ये है ऑडियो क्वालिटी टेस्ट इनलाइन माइक का रियलमी बड्स वायरलेस पर। साउंड क्वालिटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई ईयरफोन्स, हेडफोन्स, स्पीकर अगर वो सोने के बने हुए हैं पर उसकी आवाज एकदम आलू जैसी है तो वो आलू है। तो बात करते हैं अब हम साउंड क्वालिटी के बारे में इन ईयरफोन्स के बारे में, और देखते हैं कि दोनों में से कौन सा किंग है। तो स्टार्ट करते हैं रियलमी बड्स वायरलेस के साथ। यहाँ पर हमारे को 11.2 मिलीमीटर का ड्राइवर मिलता है जो कि काफी एवरेज साउंड क्वालिटी देता है। यहाँ पर जो इसकी बेस है वो काफी ओवरपावरिंग बेस है। अब हालांकि कई लोगों को यहाँ पर पसंद होती है बूस्टेड बेस, काफी खींच के बजने वाली बेस, पर अगर आप ध्यान से सुने यहाँ पर आपको ये लगेगा कि जो दूसरी फ्रिक्वेंसी रेंज है जैसे कि मिड्स और हाइस वो काफी कमजोर है यहाँ पर, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव बेस है जो इसके अंदर दी हुई है, क्योंकि जो इसके अंदर ड्राइवर है वो सारी फ्रिक्वेंसी रेंज को ऐसे संभाल नहीं सकता, और ये हर एक ड्राइवर के साथ होता है। कोई भी अगर आपका ईयरफोन्स हो या कोई भी स्पीकर हो, अगर उसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कोई भी फ्रिक्वेंसी हो तो बाकी की सारी जो फ्रिक्वेंसी बची हुई है वो दब जाती है, तो यही इफेक्ट होता है और यहाँ पर यही चीज आपको इस ईयरफोन्स में देखनी पड़ेगी। और एक और चीज, जब आप हायर वॉल्यूम लेवल्स पर जाते हैं रियलमी बड्स पे, यहाँ पर आपको डिस्टॉर्शन भी देखने को मिलेगी। पर अगर आपको ये एक्स्ट्रा बेस सुननी पसंद है और अगर आप सुनना चाहते हैं ऐसे हिप हॉप बेस, ट्रैप या कोई भी बेस हैवी जॉनरा, तो आपको डेफिनेटली मतलब रियलमी के साथ जाना चाहिए। पर वन प्लस में यहाँ पर हमारे को साउंड क्वालिटी काफी ज्यादा खतरनाक मिलती है। यहाँ पर हमारे को 9.2 मिलीमीटर का ड्राइवर मिलता है जो कि थोड़ा सा काफी मतलब स्मॉल है रियलमी से, पर काफी ज्यादा बैलेंस्ड आवाज देता है यहाँ पर ये, और आपको बिल्कुल भी कोई ऐसा नहीं लगेगा कोई भी ऐसे फ्रिक्वेंसी रेंज एक्सेस में है। यहाँ पर आपको काफी अच्छे अमाउंट में बेस मिलता है और बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ज्यादा दे रखी है, कम दे रखी है, बिल्कुल एकदम राइट स्पॉट जितनी होनी चाहिए उतनी है। और बाकी फ्रिक्वेंसीज भी जो मिड्स और हाइस हैं वो भी काफी एप्ट अमाउंट में दी हुई है इसमें। और कंपेयर करें क्लैरिटी वाइज इन दोनों ईयरफोन्स को, तो आपको जो वन प्लस है वो हल्के से ज्यादा क्लियर साउंडिंग लगेंगे। दोनों ईयरफोन्स काफी ज्यादा लाउड हैं, पर जो बुलेट्स है वायरलेस उसके अंदर आपको कोई भी ऐसे डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप मैक्सिमम वॉल्यूम के ऊपर हो। तो अगर आप ऐसे कोई भी जॉनर सुनते हैं जैसे कि पॉप रॉक, ईडीएम, हिप हॉप, हाउस, आरएनबी, एकोस्टिक या कुछ भी, पर आपको ऐसे बूस्टेड बेस वाली फील नहीं चाहिए, बिल्कुल जितनी एवरेज हो उतनी चाहिए, तो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे बुलेट सी वायरलेस। और पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे फेवरेट ये बुलेट सी है। प्राइस, पर अब बात करें इनके प्राइस के बारे में, तो Realme अवेलेबल है यहाँ पर 1800 रुपीस के, और जो OnePlus है वो अवेलेबल है 2000 रुपीस के। और अगर आप बेस्ट डील देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक चेक कर सकते हैं। पर अगर आप कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन्स ढूंढ रहे हैं तो आप इनमें से दोनों में से चूज कर सकते हैं, हालांकि यहाँ पर कोई प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आपको बूस्टेड बेस पसंद है और आपके लिए ईयरहुक्स नेसेसरी है तो आपको डेफिनेटली रियलमी बड्स लेने चाहिए। पर अगर आप चाहते हैं बहुत सारे फीचर्स और बेस्ट और इवन साउंड क्वालिटी, तो आपको डेफिनेटली पिक करना चाहिए वन प्लस बुलेट्स वायरलेस सी। अब पर्सनली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं खुद ये वन प्लस बुलेट जी के साथ जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे फीचर्स मिलते हैं और साउंड क्वालिटी काफी बढ़िया है मेरे टेस्ट के हिसाब से है। पर ये था मेरा फुल कंपैरिजन रियलमी बड्स वायरलेस वर्सेस वन प्लस बुलेट सी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको कंपेयर करके बताऊं WaterOS 255 Pro के साथ, तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। पर ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई, और अगर आई तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।